आज का सेशन फिर आपके लिए मजेदार होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, अ टेट्रापेप्टाइड हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन एलेनिन, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन एलेनिन वैलिन एंड फिनाइल एलेनिन। फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉसिबल सिक्वेंसेस विथ अमीनो ग्रुप अटैच्ड टू अ किरल कार्बन। समझ में आया? एक टेट्रापेप्टाइड आपको दिया है, टेट्रापेप्टाइड ये फोर अमीनो एसिड से बना है, ग्लाइसिन एलेनिन फिनाइल एलेनिन और वैलिन से, ये क्वेश्चन में गिवन। अब दो कंडीशन दे दी आपको, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एलेनिन पर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एलेनिन टर्मिनल पोजीशन क्वार्टर पर प्रेजेंट है। आपसे पूछा क्या है? आपसे टेट्रापेप्टाइड जो है उसके पॉसिबल सीक्वेंसेस पूछे। भाई टेट्रापेप्टाइड है, ये चार अमीनो एसिड है, तो ये किस सीक्वेंस में और ऐसे कितने सीक्वेंसेस पॉसिबल है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन डाल दी, ये जो अमीनो ग्रुप होगा वो किरल कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो यहां दो कंडीशन है, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एलेनिन का होना चाहिए, इसका मतलब है एलेनिन टर्मिनल पोजीशन पर है, कोने पर है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है एंड में भी हो सकता है, तो टर्मिनल पोजीशन पर एलेनिन है। दूसरा ये दे दिया कि अमीनो ग्रुप किरल कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको याद है, ग्लाइसिन का ये स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन टोटल दो कार्बन वाला अमीनो एसिड है, इथेनोइक एसिड का हाइड्रोजन हटा के अमीन ग्रुप लगा दिया, अल्फा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन में ये जो अल्फा कार्बन है, कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है, इसको अपन अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन यदि मिथाइल से रिप्लेस कर दें तो मिल जाएगा आपको एलेनिन। देखिए एलेनिन बनाते हैं, ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, ये हो गया एलेनिन। तो इसमें ये किरल कार्बन है, दिख रहा है आपको, ये किरल कार्बन है, इसमें नहीं। फिनाइल एलेनिन, तो एलेनिन आपको पता है, ये एलेनिन है। एलेनिन में मिथाइल का एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और बेंजीन लगा दीजिए, फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए, ये लग हो जाएगा फिनाइल एलेनिन। इसमें भी देखिए ये कार्बन किरल कार्बन, ये तो आपको पता है ना, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है, उसको छोड़कर बाकी सारे अमीनो एसिड जो नेचुरल अमीनो एसिड से वो सब क्या होते हैं, किरल होते हैं। वैलिन, तो ये ग्लाइसिन आपको पता है, ग्लाइसिन में अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा वैलिन। यहां भी देखिए किरल कार्बन, तो ग्लाइसिन में किरल कार्बन नहीं है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी एलेनिन फिनाइल एलेनिन और वैलिन ये तीनों ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहां टेट्रापेप्टाइड आपको दिया है, ये चार अमीनो एसिड से बना है, है ना। अब धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहां प्रेजेंट है, एलेनिन। आपको पॉसिबल सीक्वेंसेस आपसे पूछे, चार अमीनो एसिड है, नंबरिंग अपन कर लेते हैं। अब उन्होंने बोला है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एलेनिन पर प्रेजेंट है, तो एलेनिन कहां होगा, कॉर्नर पे होगा, अपन लास्ट नंबर पे रख देते हैं एलेनिन। ठीक है, एक बनाने की कोशिश करते हैं टेट्रापेप्टाइड। फिर उन्होंने बोला है कि जो अमीनो ग्रुप है वो किरल कार्बन से अटैच होना चाहिए। ठीक है, अमीनो ग्रुप किरल कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो ग्लाइसिन में देखिए अमीनो ग्रुप किरल कार्बन से जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन टेट्रापेप्टाइड का सीक्वेंस बनाएंगे तो ग्लाइसिन को स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, तो ग्लाइसिन को स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, एलेनिन को लास्ट में रखना है, ये कंफर्म हो गया। ग्लाइसिन को स्टार्टिंग में नहीं रखना, ये भी आपको समझ में आ गया। तो फिर कहां रखेंगे ग्लाइसिन को, तो सेकंड या थर्ड किसी भी पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने रख दिया ग्लाइसिन को थर्ड पोजीशन, अब बचे दो अमीनो एसिड अपने पास, कौन कौन से, वैलिन और फिनाइल एलेनिन। तो वैलिन को रख देते हैं मान लीजिए स्टार्टिंग में, तो सेकेंड पोजिशन पे क्या आ जाएगा, फिनाइल एलेनिन, ये एक सिक्वेंस आपको मिल गया।
समझ में आया? अब दूसरा सीक्वेंस कैसे मिलेगा? तो एलेनिन को तो हमने रखा है वहीं पर, कहां पर रखा? फोर्थ पोजीशन पर। वेलिन को भी फर्स्ट पोजीशन पर ही रखते हैं, केवल सेकेंड और थर्ड पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो पहले ग्लाइसिन और बाद में रख दिया फिनाइल एलेनिन। आया समझ में? देखिए सीक्वेंस अलग है, ये दूसरा टेट्रापेप्टाइड है। अब फिर से एक और बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा? वेलिन को आपने स्टार्टिंग में रखा है, वेलिन को आप सेकेंड नंबर पे रख लीजिए, थर्ड पे रख लीजिए, जो फिनाइल एलेनिन है उसको पहले रख दीजिए, ठीक है? तो एलेनिन को तो आपको टर्मिनल पोजीशन पर ही रखना है ना। वेलिन को आप स्टार्टिंग में रख चुके हैं क्योंकि उसमें किरल कार्बन है, फिनाइल एलेनिन को आप रख लीजिए फर्स्ट पोजिशन। फिनाइल को फर्स्ट पे रख लिया, एलेनिन को लास्ट पे रख, ग्लाइसिन को अपन रखते हैं थर्ड नंबर। तो ये पोजीशन किसकी हो गई? वेलिन की। ये एक सीक्वेंस बन गया। और क्या बना सकते हैं आप? फिनाइल एलेनिन को फर्स्ट पोजीशन पे रखिए, ग्लाइसिन को सेकंड पे कर दीजिए और वेलिन को थर्ड पे कर दीजिए। एलेनिन तो नेचुरली टर्मिनल पोजीशन पर ही आया। तो टोटल कितने पॉसिबल टेट्रापेप्टाइड बनेंगे? फोर। आया समझ में? फिर से देखते हैं क्या किया हमने। एलीन, एलेनिन की पोजीशन फिक्स है, उसको टर्मिनल पोजीशन पर रखना है। ग्लाइसिन को स्टार्टिंग में आप रख नहीं सकते हैं, तो कहाँ रख सकते हैं? सेकेंड पर या थर्ड पर। तो देखिए दो बार ग्लाइसिन थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, दो बार ग्लाइसिन सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। अब बचे दो, फिनाइल एलेनिन और वेलिन। तो दो बार वेलेनिन फर्स्ट पे आ रहा है, दो बार फिनाइल एलेनिन फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो टोटल पॉसिबल सीक्वेंसेस होंगे फोर। मजा आया ना सभी को? लव यू ऑल, टेक केयर।